हरे कृष्णा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि कृपा किसे मिलती है। तो देखिए, कृपा उसी को मिलती है जो कुछ करता है। केवल बातों से कृपा नहीं मिलती। जैसे हम मंदिर में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए कुछ डोनेशन करते हैं, या फिर भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, भगवान के बारे में लोगों को बताते हैं, तो ये सारे कार्य जो है भगवान के लिए हैं। तो भगवान का प्रचार करना ही भगवान के लिए कार्य करना है। तो इस प्रकार जो लोग भगवान का कार्य करते हैं उनको कृपा मिलती है। तो हमारे संप्रदाय के आचार्य, प्रमुख आचार्य माधवाचार्य जी भी लिखते हैं कि हरि कार्य साधक, यानी कि हरि के कार्य को करने वाला, सिद्ध करने वाला या कार्य करने वाला जो है उपासक है, उसी को हरि की कृपा मिलती है। तो बिना कुछ किए कृपा नहीं मिलती। जिस प्रकार MNC कंपनीज में एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो काम करते हैं तब उनको जो है सैलरीज मिलती हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम मंदिर में आके केवल बातें करेंगे, इधर उधर की चर्चा करेंगे, व्यर्थ के गप्पे मारेंगे, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। मंदिर में आने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, भगवान का जप करना, उनकी कोई सेवा करनी, उनके लिए भोग बनाना, और या फिर भगवान का प्रचार करना, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये प्रचार करना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए दो प्रमुख कार्य बताए गए हैं जिनको करने से हम भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पहला कार्य है खुद की साधना करना, यानी अपना उत्थान करना, अपनी आत्मा का उत्थान करना, और दूसरे नंबर पे है लोगों को प्रचार करना और उनके कल्याण के विषय में सोचना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं कि भारत भूमि पे जन्म ले ले करो परोपकार, यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना, उनकी उनके कल्याण के विषय में सोचना ही परोपकार है, असली परोपकार है। तो ये जो दो कार्य करता है, पहला अपना उत्थान करना, दूसरा भगवान का प्रचार करना, ये दो कार्य करने से हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। और भगवान की कृपा पाकर ही हम भक्ति में अग्रसर होंगे और भक्ति के और कृपा के अधिकारी बनेंगे। अब अधिकारी शब्द क्यों यहाँ पर प्रयोग किया गया? क्योंकि जो जितने लेवल पे सेवा करता है, जो जितने लेवल पर भगवान का कार्य करता है, वो उतना ज़्यादा अधिकारी जो है भगवान की कृपा का बनता जाता है। और इसी प्रकार जो पूर्ण रूप से केवल भगवान का ही कार्य करते हैं, अन्य कोई कार्य नहीं करते, उन्हें भगवान की कृपा भी पूर्ण रूप से मिल जाती है। तो हमें इस जन्म में भगवान की पूर्ण कृपा चाहिए, तो हमें सारे काम जो है भगवान के लिए करने पड़ेंगे, तो इससे हमें भगवान की पूर्ण कृपा मिलेगी। तो ये सब जो है गृहस्थ लोग भी कर सकते हैं। हर कार्य में भगवान को सम्मिलित करके, उस कार्य को जो भगवान के निमित्त करके, हम सारे कार्य भगवान के लिए कर सकते हैं और भगवान की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जिससे कि हम भक्ति मार्ग में अग्रसर हो सकें। हरे कृष्णा। सभी का धन्यवाद।